हे गाइस, गुड इवनिंग। सो गाइस, ये विजन की 14th and 15th मई की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन है। आपको पता ही है कल मैगजीन अपडेट इसलिए नहीं हुई थी बिकॉज कल ईद थी, तो इसलिए जब भी कोई ऐसी हॉलीडे होती है तो कभी भी विजन अपडेट नहीं करता है। तो चलिए हम आज की फर्स्ट न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। गाइस, इससे पहले आप हमारा टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम का चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फाइन, तो चलिए आज की फर्स्ट न्यूज़ है, दैट इज़ द ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया प्लान टू चैलेंज मार्च नोटिफिकेशन इन द हाईकोर्ट। गाइज, ये जो न्यूज़ है हमारी पॉलिटी एंड गवर्नेंस में कवर होगी। अभी क्या है, जो हमारे मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स हैं, दैट इज़ अ होम मिनिस्ट्री, उन्होंने एक ऑर्डर इशू किया था कि अगर जो प्रोफेशनल ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, जैसे जर्नलिस्ट हो गए, रिसर्चर्स हो गए, उन्हें कुछ अपनी एक्टिविटीज़ को नोटिफाई करना होगा इंडिया में। फाइन, मतलब कि सिंपल बात ये कि जो ऐसे लोग हैं जो OCI कार्ड होल्डर्स हैं, अगर वो जैसे जर्नलिस्ट हो गए या जो रिसर्चर्स हैं, स्पेशली जो ये प्रोफेशनल हैं, फाइन, तो वो अपनी एक्टिविटीज़ क्या, मतलब कि क्या कर रहे हैं, उनको नोटिफाई करना होगा इंडिया में। फाइन, इश्यूज़ क्या हैं इस नोटिफिकेशन पे, ये क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो इंडिया के डोमिसाइल्ड ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया हैं उनको कहीं ना कहीं इक्वेट करें कि फॉरनर्स का। दूसरा क्या है, कहीं ना कहीं क्या हाई फीस ली जा रही है अंडर द NRI कोटा, जो काफ़ी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के द्वारा अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, इसके अलावा जो इंडिया डोमिसाइल्ड ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया स्टूडेंट्स हैं उनको डोमिसाइल स्टेटस नहीं दिया जा रहा है, ना इंडिया में और ना ही जिस कंट्री की वो सिटीजनशिप रखते हैं वहाँ पे। मतलब कि सिंपल बात ये है कि देखो, OCI कार्ड होल्डर कोई भी मतलब कि रख सकता है, डिपेंड करता है कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसके अकॉर्डिंग। सपोज़ करो, अगर कोई मतलब कि एक्चुअल में जो सिटीज़न है, सपोज़ करो USA का है, फाइन, सिटीजनशिप उसके पास USA की है, लेकिन उसके पास OCI कार्ड होल्डर इंडिया का है, तो सिंपल बात यह है कि अगर कहीं ना कहीं क्या है, तो उस बंदे को डोमिसाइल स्टेटस ना तो वो इंडिया का मिल पा रहा है उसे, और ना ही वो उसको अपनी कंट्री की सिटीजनशिप से डिप्राइव होना पड़ रहा है। फाइन, तो ये कुछ इश्यूज आ रहे हैं अगर वो नोटिफाई करेंगे कि वो एक्टिविटीज़ को क्या है। फाइन, अब आपको थोड़ा सा NRI और OCI कार्ड होल्डर के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस की आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, कंपेयर कर लेते हैं। NRI वो इंडियन सिटीजन जो अभी क्या है, अभी आउटसाइड द इंडिया रिसाइड कर रहा है लेकिन इंडियन पासपोर्ट वो होल्ड रखते हैं। OCI वो होता है जो पर्सन रजिस्टर्ड है एज एन OCI होल्डर, किसके अंडर, अंडर सेक्शन ए ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 1955। इसके लिए वो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया वो होते हैं जो इंडिया के ओरिजन से बिलोंग करते हैं, मतलब कि चाहे उनके ग्रैंड पेरेंट्स करते थे या फिर पेरेंट्स करते थे, लेकिन वो फॉरेन पासपोर्ट्स होल्ड करते हैं। फाइन, बट बेनिफिट्स क्या हैं, NRI को क्या बेनिफिट मिलते हैं और OCI को क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। सभी देखो, NRI को वही सब बेनिफिट्स मिलते हैं जो इंडियन सिटीजन्स को मिलते हैं, लेकिन ये है कि कुछ गवर्नमेंट क्या करती है, डिफरेंट डिफरेंट नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम नोटिफाई करती रहती है कि हाँ, कि किन बेनिफिट्स को वो इंजॉय नहीं कर सकते एज़ कम्पेयर टू इंडियन सिटीजन्स। फाइन, OCI क्या क्या बेनिफिट्स मतलब कि हैं उनके पास, मतलब कि आपको पता ही है, जब भी अगर आपको लाइक आप किसी भी कंट्री में जाते हो तो आपको वीज़ा लेना पड़ता है, कि अगर आप 2 महीने के लिए जा रहे हो, 3 महीने के लिए जा रहे हो, डिपेंड करता है जितने ड्यूरेशन के जा रहे हो, तो आप वीज़ा लेना पड़ता है। तो जिन लोगों के पास अगर OCI या कार्ड होल्डर है, तो इंडिया में वो जितनी बार भी विजिट करें उनको लाइफ लॉन्ग वीज़ा उनके पास है, मतलब बार बार उन्हें वीज़ा नहीं लेना पड़ता। इसके अलावा अगर जितनी बार भी वो इंडिया आते हैं उनको अपने आप को रजिस्टर कराना होता है। फाइन, तो अब उनको जितनी बार भी वो इंडिया आते हैं तो उनको अपने आप को रजिस्टर नहीं कराना होता। फाइन, सो दे आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम रजिस्ट्रेशन फॉर एनी लेंथ ऑफ स्टे इन इंडिया। इसके अलावा NRIs के साथ क्या उनको मतलब कि डिफरेंस है, जरा हम ये देख सकते हैं, मतलब कि क्या सेम चीज़ मिली हुई है। सबसे पहले फाइनेंशियल, इकोनॉमिक और एजुकेशनल फील्ड, एक्सेप्ट वो एग्रीकल्चर लैंड एक्वायर नहीं कर सकते या फिर कोई प्लांटेशन प्रॉपर्टी एक्वायर नहीं कर सकते। इसके अलावा वो इंडियन चिल्ड्रन को इंटर कंट्री अडॉप्ट कर सकते हैं, वो डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट, इस तरह के प्रोफेशंस इंडिया में कैरी आउट कर सकते हैं। इसके अलावा इंडियन नेशनल्स के साथ उनको क्या इक्विटी मिली हुई है, क्या इक्वल स्टेटस मिला हुआ है। सिंपल बात है, आप देखते हो जैसे आप कहीं भी ट्रैवल करते हो या फिर टूरिस्ट प्लेस पे विजिट करते हो, जैसे मोन्यूमेंट्स वगैरह, तो वहाँ पे फॉरेन नेशनल्स के लिए जो फीस होती है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू इंडियन सिटीजन। तो अगर आप नेशनल पार्क्स, म्यूजियम्स, अगर OCI कार्ड होल्डर विजिट करते हैं तो उनके पास जो फीस है उनको वो इंडियन सिटीजन्स के ही मिलेगी। ठीक है, तो वो सेम फीस मिलेगी जितने इंडियन सिटीजन्स के। फाइन, तो पैरिटी विद द इंडियन नेशनल फॉर एयर फेयर टैरिफ फॉर डोमेस्टिक ट्रैवल एंड एंट्री फीस टू एनी नेशनल पार्क्स, म्यूजियम एक्सेट्रा। फाइन, और कौन कौन इंडियन सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकता है, या पता होगा NRI कोई भी जो पर्सन इंडियन सिटीजन का है। इसके अलावा OCI होल्डर में सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अकॉर्डिंग जो भी पर्सन रजिस्टर्ड है OCI में 5 साल से, और या फिर वो इंडिया को ओरिजिनली रेजिडेंट रहा हो 12 मंथ्स के लिए बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन। फाइन, मतलब कि अगर किसी को OCI कार्ड होल्डर बनना है, OCI कार्ड बनवाना है, तो उसे पहले इंडिया में कम से कम 12 महीने
एक साल रहना होगा, फाइन, तब उसको वो मिल जाएगा। नेक्स्ट है, या फिर उसने ऐसा रजिस्टर्ड कर रखा हो OCA कार्ड के लिए 5 साल के लिए, फाइन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा थोड़ा सा इसको, क्योंकि अगर आपको अगर कहीं भी दिक्कत आ रही है तो अगर आप सिटीजनशिप चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ें दूर हो जाएंगी, बिकॉज सिटीजनशिप चैप्टर में बहुत अच्छे से कंपेरिजन डिफरेंस बहुत अच्छे से डिटेल में बताया हुआ, फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ पे पढ़ते हैं, आपको पता ही होगा अभी के जो साइक्लोन तोकते हैं वो कहीं ना कहीं सीवियर साइक्लोन में बदल सकता है, ऐसा IMD की वार्निंग है, दैट इज़ द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की। अब गाइज ये जो न्यूज़ है हमारी डिजास्टर मैनेजमेंट में कवर होगी। अभी क्या देखो गाइज, आपको पता ही है जो डिजास्टर्स के नाम होते हैं वो कुछ 10 या 12 कंट्रीज़ हैं जो मिलके रखते हैं, मेनली आई थिंक 10 कंट्रीज़ हैं। तो ये जो म्यांमार के द्वारा ये नाम रखा गया, फाइन, तो आपको ये पता होना चाहिए कि साइक्लोन का जो तोकते का मतलब है कि गिको, ठीक है, तो इसका नाम किसने रखा हुआ है, म्यांमार ने रखा हुआ है, और ये अभी अरेबियन सी के ऊपर बना है एंड लक्षद्वीप, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए ये साइक्लोन कहाँ बन रहा है, ये इंडिया की वेस्टर्न साइड आ रही है, ईस्टर्न साइड नहीं आ रही है। इंडिया में जो साइक्लोन्स ईस्टर्न साइड होते हैं वो इंडिया को ज़्यादा डैमेज पहुँचाते हैं, वेस्टर्न कोस्ट पे जो आते हैं वो इतना नुकसान नहीं पहुँचाते। क्यों नहीं पहुँचाते गाइज, आई होप आपको पता हो, क्योंकि इंडिया में जो साइक्लोन्स आते हैं वो एंटी ऐसे ऐसे घूमते हैं, तो जो ईस्ट में आते हैं वो ईस्टर्न कोस्ट को पूरा डैमेज करते हैं, वेस्टर्न कोस्ट पे आएंगे वो भी ऐसे बनेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे, तो वो वेस्टर्न कोस्ट से थोड़ा सा परे जाते हैं, तो उतना ज़्यादा डैमेज नहीं पहुंचाते। आई थिंक आपको ये पढ़ा होगा, नहीं पता होगा तो थोड़ा सा आप ज्योग्राफी में जब भी आप साइक्लोन्स पढ़ेंगे तो आपको ये सब पता चल जाएगा, साइक्लोन्स के बारे में, एंटी साइक्लोन्स के बारे में, उसकी डायरेक्शंस के बारे में, ये सब आपको पता चल जाएगा, फाइन। खैर हम इसको कंटिन्यू करते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स थोड़े वायलेंट होते हैं जो मेनली ओरिजिनेट होते हैं कहाँ पे, वार्म ट्रॉपिकल ओशंस में। अब अगर साइक्लोन आता है वो उसके कौन से कंडीशंस फेवरेबल होते हैं, सबसे पहले ऑफकोर्स उसको अगर हाइट सी सरफेस टेम्परेचर मिल जाए 27 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा, कोरोलिस फोर्स होना चाहिए, ऑफकोर्स गाइस कोरोलिस फोर्स क्यों होगा, देखो कभी भी इक्वेटर पे नहीं आएगा साइक्लोन, क्यों, क्योंकि वहाँ पे कोरियोलिस फोर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता, फाइन। तो कोरियोलिस फोर्स सबसे बड़ी एक मैंडेटरी कंडीशन है, कोरियोलिस फोर्स प्रेजेंट होना चाहिए। इसके अलावा वर्टिकल विंड स्पीड में थोड़ा थोड़ा वेरिएशन होना चाहिए, इसके अलावा प्री एग्जिस्टिंग थोड़ा सा ऑफकोर्स प्रेशर आना चाहिए, ए प्रेशर आना चाहिए लो लेवल साइक्लोनिक सर्कुलेशन के लिए। इसके अलावा सी लेवल सिस्टम से थोड़ा सा अपर डाइवर्ट होना, ठीक है। तो अगेन गाइज अगर आप साइक्लोन पढ़ोगे तो आपको ये सारी सिस्टम पता चल जाएगी। अभी इसमें थोड़ा इन ब्रीफ मैं बता रही हूँ, क्योंकि जितना इसमें लिखा है मैं उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ, फाइन। अभी क्या है, सर्फेस ड्यू टू रिलेटिवली कोल्ड सी सर्फेस टेम्परेचर, अरेबियन सी में इतने ज़्यादा साइक्लोन्स नहीं आते, क्योंकि अभी मैंने वैसे वो तो एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन आप देखना बे ऑफ बंगाल में जो साइक्लोन्स आते हैं वो ज़्यादा आते हैं, बिकॉज वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। तो अभी हमने पढ़ा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या, फेवरेबल कंडीशन क्या, अगर टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाए। अभी हमने देखा कि अरेबियन सी में रिलेटिवली जो टेम्परेचर होता है वो थोड़ा कोल्ड रहता है, इसकी वजह से यहाँ पे साइक्लोन्स इतना फेवरेबल नहीं होते हैं, फाइन, और एंड कंपेरेटिवली लेस प्रोन टू द सच साइक्लोन जो बे ऑफ बंगाल में बनते हैं। हाउएवर 2019 की रिपोर्ट आई थी किसके द्वारा, इंटर गवर्नमेंटल पैनल क्लाइमेट चेंज के द्वारा, दिनों ने ये बोला क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से अब सीवियर साइक्लोन्स बन रहे हैं अरेबियन सी में भी, फाइन। अब क्लाइमेट चेंज की वजह से इसका मतलब जो सी टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, वार्मर ओशन का मतलब ये नहीं है कि ऑटोमेटिकली मोर साइक्लोन आएंगे, लेकिन बट अगर साइक्लोन्स बोर्न हो रहे हैं तो वो स्ट्रोंगर बन सकते हैं वार्मर सी पे, फाइन, सिंपल बात है। मतलब जरूरी नहीं है कि भी अगर सी वार्म हो गया तो साइक्लोन आना ही ना, नो, ये हो सकता है कि हाँ अगर साइक्लोन बनेगा तो वो स्ट्रॉन्गर हो सकता है, तो क्लाइमेट चेंज का ये क्या है, वो इंटेंसिफाई कर देगा साइक्लोन को, फाइन। इसके अलावा जो नंबर ऑफ साइक्लोन है जिस ओशन पे वो डिपेंड करता है कि उस ओशन का सर्कुलेशन पैटर्न क्या है, दैट आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द क्लाइमेट चेंज, फाइन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट न्यूज़ है, PM releases over the 20,000 crore under the प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। तो गाइज ये मैंने न्यूज़ अभी टेलीग्राम कह रही हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे भी शेयर की थी, तभी मैं कह रही हूँ आप मेरा इंस्टाग्राम पेज लाइक कर सकते हैं, बिकॉज उसमें अब काफ़ी कुछ मैं पोस्ट कर रही हूँ 2-3 दिन से, तो आप देख सकते हैं। तो गाइज ये जो न्यूज़ है हमारी सोशल इशूज़ या फिर इकोनॉमी में कवर होगी। अभी आपको पता होगा PM किसान के बारे में, एक बार हम इस स्कीम के बारे में पढ़ लें। देखो इसको लॉन्च किया गया था किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा, सो देन हम जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं उनकी लाइफ को सिक्योर कर सके। ये 100% सेंट्रल के द्वारा फंडेड स्कीम है, जिसके अंदर हम एक किसान को 6,000 रुपये एक साल में देते हैं 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में, मतलब कि 2,000 रुपये एक बार में देते हैं जो एलिजिबल फार्मर फैमिलीज हैं थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, मतलब कि हम डायरेक्ट उनके फार्मर्स के अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। इसमें जो फैमिली की डेफिनेशन है इस स्कीम के अकॉर्डिंग वो हस्बैंड वाइफ माइनर चिल्ड्रन, मतलब किसी भी नाम हो लैंड, ठीक है, और ये सभी एलिजिबल फार्मर्स पे एक्सटेंडेड है इरिस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ लैंड होल्डिंग, मतलब कि चाहे उसके पास लैंड है जितना मर्जी बड़ा हो छोटा हो उन सब पे एक्सटेंडेड है,
हाउएवर जो बेनिफिशियरी कौन कौन से एलिजिबल फार्मर्स हैं जो इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं उनको आइडेंटिफाई कौन करता है, दैट पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरेटरी गवर्नमेंट। अभी क्या किया, जो पीएम किसान में से कौन लोग फ़ायदा नहीं उठा सकते, जो जिनके पास इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर्स हैं, मतलब कि जो लैंड होल्डिंग इंस्टीट्यूट की है, फाइन, फार्मर फैमिलीज जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड कर रही हैं, या फिर कोई रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के या स्टेट गवर्नमेंट के, एज वेल एज पीएसयू एंड गवर्नमेंट ऑटोनॉमस बॉडी, फाइन। मतलब कि अगर आप पता चले उधर आप अफसर भी बने हुए हो और उधर आप अपने ज़मीन भी ले रखी है, खेती बाड़ी चला रहे हो, तो ये नहीं कि आप उसका पीएम किसान योजना के अंदर आप 6,000 रुपये लोगों, नहीं, आप उसका फ़ायदा नहीं उठा सकते, फाइन। अब हम देखते हैं जरा न्यूज़ में क्यों थे, ये 8th इंस्टॉलमेंट है जिसको दे गई है अंडर पीएम किसान स्कीम और हाईएस्ट अमाउंट पे किया बाय द गवर्नमेंट अंडर द स्कीम इन अ सिंगल इंस्टॉलमेंट। पहली बार ऐसी कि वेस्ट बंगाल फार्मर्स ने भी इस बेनिफिट को रिसीव किया, फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ बढ़ते हैं, दैट इज़ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साइट्स ट्रांसपेरेंसी सेज कंट्री इज कंसीडरिंग लाइव टेलीकास्ट ऑफ केसेस इन द सुप्रीम कोर्ट, फाइन। अगेन गाइस, ये जो न्यूज़ है हमारी पॉलिटी एंड गवर्नेंस में कवर होगी। अभी क्या, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोले कि हाँ भाई कि क्या प्रोसीडिंग्स चल रही हैं केसेस में, तो उसको ट्रांसपेरेंट मैनर में मतलब कि रखना है, तो हाँ इसके लाइव टेलीकास्ट हम करेंगे, ऐसा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस बात को सहमत कर लिया। अभी क्या, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने लॉन्च, मतलब कि जब एक मोबाइल एप्लीकेशन का लॉन्च कर रहे थे तो उसमें बोला है कि रिपोर्टर्स के पास असेस होना चाहिए वर्चुअल कोर्ट प्रोसीडिंग्स का, फाइन। द सीजे मेड दिस रिमार्क, मतलब कि जो हमारी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने ये कब बोला है, जब एक मोबाइल एप्लीकेशन का लॉन्च हो रहा है तब उन्होंने बोला कि हाँ रिपोर्टर्स को इनेबल करना चाहिए, उनको राइट देना चाहिए कि वो वर्चुअल कोर्ट प्रोसीडिंग्स को असेस कर सकें, ठीक है। ओपन कोर्ट से क्या होगा, हम जुडिशरी पे लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे। फ्यू हाई कोर्ट जैसे गुजरात हाई कोर्ट है वो ऑलरेडी क्या करते हैं, अपनी कोर्ट प्रोसीडिंग्स का लाइव टेलीकास्ट करते हैं, फाइन। स्वप्निल त्रिपाठी वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का केस आया था 2018 में, तब भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि हाँ कोर्ट प्रोसीडिंग्स का लाइव टेलीकास्ट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो लाइव स्ट्रीम प्रोसीडिंग्स है वो कहीं ना कहीं राइट टू असेस का पार्ट है, जो कि हमारे अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू लाइफ का एक पार्ट है, और कोर्ट प्रोसीडिंग्स को पब्लिश करना वो भी आर्टिकल 129 के अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, पर विच द सुप, लेकिन वो डिपेंड करता है अगर सुप्रीम कोर्ट उसको अलाउ करते ही नहीं, ठीक है। इसका जो जर्नलिस्ट, यंग लॉयर, सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट, एकेडमिक्स हैं, वो सब क्या कर सकते हैं, अगर लाइव स्ट्रीम होगा तो उनको बेनिफिट मिलेगा, मतलब कि पता चल जाएगा ना कि यार कहीं पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन तो नहीं हो रहा, तो इन सब से क्या है उनको बेनिफिट मिलेगा, फाइन। कंसर्न्स क्या, कंसर्न्स ये कि अभी यार हर चीज़ आप लाइव टेलीकास्ट कर दोगे, आपको पता है इंडिया में तो कितनी तरह से सोशल मीडिया पे एकदम से बातें फैल जाती हैं, तो अनवांटेड क्या लोग अपना आएंगे, इंटरफेयर करेंगे, उनको आधी अधूरी नॉलेज होती है, जिसकी वजह से जो जजेस हैं दे वुड प्रोन टू मोर पॉपुलर पब्लिक ओपिनियन, मतलब कि जजेस अपना अकॉर्डिंग नहीं जजमेंट दे पाएंगे, उनको पब्लिक ओपिनियन वो उनको ज़्यादा देखना पड़ेगा, फाइन। तो रीजनेबल जो एक्सपर्टाइज होगा टू अंडरस्टैंड द कोर्ट प्रोसीडिंग इज नीडेड, विच कॉमन पीपल में लैक रिजल्टिंग इन इरेस्पॉन्सिबल डिबेट, वही बात होगी, नॉलेज होगी नहीं तो इरेस्पॉन्सिबल लोग डिबेट करेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, जो रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग का जो मीडियम है वो भी कहीं ना कहीं खतरे में आएगा और प्राइवेसी कंसर्न भी हो सकते हैं, फाइन। अब इस बार देख लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या किया है, कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्लेटफॉर्म्स है सो दैट हम जुडिशरी को और ज़्यादा एफिशिएंट और असेसिबल बनाएं, एक है सुपेस, एक है सुभाष। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए सुपेस और सुभाष के, सुपेस का फुल फॉर्म है सुप्रीम कोर्ट्स पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट एफिशिएंसी, एक टूल है जहाँ पे हम क्या करते हैं, कुछ रेलिवेंट फैक्ट्स और लॉज को कलेक्ट करते हैं और वो जजेस के पास अवेलेबल कराते हैं। सुभाष के एक न्यूरल ट्रांसलेशन टूल है, सो दैट सिंपल बात है कि सुप्रीम कोर्ट जजेस अगर सपोज करो जो लैंग्वेज अगर उनको नहीं आती है तो वो लैंग्वेज को अपने आप मतलब कि ट्रांसलेट करके बताते हैं, फाइन। सो यू शुड नो दैट दिस सुपेस एंड सुवाज इज रिलेटेड टू द जुडिशरी प्लेटफॉर्म, फाइन। नेक्स्ट न्यूज है, नासा ओसिरिस रेक्स बिगिंस 2 ईयर लॉन्ग जर्नी बैक टू अर्थ फ्रॉम द एस्टेरॉयड, फाइन। आई थिंक हमने पढ़ा हुआ है ये एस्टेरॉयड क्या होता है, नासा के द्वारा भेजा गया था। ये जो न्यूज़ है हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कवर होगी। अभी क्या है, ओरिजिन स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन सिक्योरिटी रेगुलेट एक्सप्लोरर, ये भाई इसकी पूरी फुल फॉर्म है ओसिरिस रेक्स की। ये नासा का पहला मिशन था जो अर्थ के पास जो एस्टेरॉयड है वहाँ पे विजिट करने का। अक्टूबर 2020 में इस स्पेसक्राफ्ट ने क्या किया था, इस एस्टेरॉयड बेनु से कुछ डस्ट और पेबल्स के सैंपल्स को कलेक्ट किया था। एस्टेरॉयड आपको पता होगा कुछ रॉकी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो सन के आसपास ऑर्बिट करते हैं, और ये कुछ रेमिनेंट्स होते हैं, रिमेन्स होते हैं, जब सोलर सिस्टम बना था 4.6 बिलियन ईयर एगो, तो ये कुछ डस्ट पार्टिकल्स हैं जो अभी तक स्पेस में हैं। इनको माइनर प्लैनेट्स भी बोलते हैं बिकॉज कभी कभी ये प्लैनेट्स काफ़ी छाटा छोटे होते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है, बेनो एक बी टाइप एस्टेरॉयड है, मतलब कि इसमें काफ़ी अमाउंट में कार्बन है और वेरियस अदर मिनरल्स प्रेजेंट है, एंड इट रिफ्लेक्ट्स अबाउट 4% ऑफ लाइट दैट हिट्स इट, फाइन। इसके अलावा ये 10 मिलियन ईयर्स पहले बना था जब सोलर सिस्टम क्रिएट हुआ था,
और उसके बाद भी इसकी जो कंपोजिशन अभी तक अल्टर नहीं हुई, जैसे आपने देखा होगा जब से बिग बैंग थ्योरी हुई है उसके बाद हमारे यूनिवर्स में काफ़ी चेंज आता रहता है, लेकिन एस्ट्रोनॉट बेनू में अभी तक इतने उसके कंपोजिशन में कुछ अल्ट्रेशन नहीं आया हुआ थ्रू बिलियन ऑफ ईयर। इट मीन्स कि इसके सर्फेस के बिलो कुछ केमिकल्स या रॉक्स रहते हैं, फाइन। दस जो बेनू एस्ट्रोनॉट की स्टडी करना कहीं ना कहीं साइंटिस्ट को काफ़ी क्ल्यूज दे सकते हैं कि किस तरह से सोलर सिस्टम का ओरिजन हो, फाइन। अब हम बताने छोटी छोटी न्यूज़, दैट इज़ अ ब्रिक्स एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग रिसेंटली किया है, जो फर्स्ट ब्रिक्स की एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग हुई है वो वर्चुअली हुई है। अपार्ट फ्रॉम यहाँ पे कुछ मेंबर नेशन के रिप्रेजेंटेटिव तो थे ही, जैसे ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, क्योंकि देखो ब्रिक्स के 5 कंट्रीज तो हैं ही, इसके अलावा कुछ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस के भी रिप्रेजेंटेटिव्स ने इसमें पार्टिसिपेट लिया, ठीक है, और कुछ अपने वैल्यूएबल सजेशन दिए, फाइन, कि किस तरह से आप मतलब कि काम कर सकते हो। ब्रिक्स के बारे में आई थिंक आपको पता ही होगा, ब्रिक्स को ज्वाइन सबसे पहले जब आया था 2001 में तो ओनली ब्रिक था, इनक्वाइन किया गया था ये नाम गोल्डमैन सैक्स के द्वारा, सो दैट हम एमर्जिंग पावर्स को इंडिकेट कर सके, लेकिन इंडिया ने फिर ब्रिक्स प्रेसिडेंसी इस साल एज्यूम कर किया और इंडिया थर्ड ब्रिक्स प्रेसिडेंसी है सिंस इट्स इंस्पेक्शन आफ्टर 2012-2016। मतलब कि ब्रिक्स को अभी जो प्रेसिडेंट बना हुआ है वो इंडिया ने थर्ड बार इसकी चेयर को हेल्ड किया है, इससे 2012-2016 में भी इंडिया ब्रिक्स का प्रेसिडेंट रह चुका है। नेक्स्ट है ग्लोबल कोवैक्स एलियंस, आई थिंक आपको पता होगा रिसेंटली क्या पंजाब कैबिनेट ने डिसाइड किया कि वो ग्लोबल कोवैक्स एलियंस को ज्वाइन करेगा, और ये पहली इंडिया की स्टेट बनी है जो कोवैक्स एलियंस को ग्लोबल कोवैक्स एलियंस को ज्वाइन करेगा, बिकॉज उसने बोला कहीं ना कहीं वैक्सीन की शॉर्टेज हो रही है। कोवैक्स एलियंस पिछले साल ही बना है, इसको COVID-19 वैक्सीन ग्लोबल SSB बोलते हैं, वर्ल्ड वाइड इनिशिएटिव है, किसके द्वारा लीड किया जा रहा है, बाय द कोएलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयरनेस इंडेक्स CEPI गैवी एंड द WHO, साथ में कुछ यूनिसेफ के वो हैं पार्टनर्स, उनके द्वारा इसको क्या किया जा रहा है, लीड किया जा रहा है। इसका एम यही है कि हम क्या कर सकें, इंटरनेशनल रिसोर्सेज उनको कोऑर्डिनेट कर सकें, सो दैट हर एक कंट्री COVID-19 रिलेटेड टेस्ट, ट्रीटमेंट, वैक्सीन, इन सब का इक्वली असेस ले सकें। नेक्स्ट है आयरन डोम एरियल डिफेंस सिस्टम, अभी क्या जो एरियल डिफेंस सिस्टम है इसराइल का, उन्होंने बोला है कि जो हमास अनमैन्ड एरियल व्हीकल है उन्होंने गाजा को क्रॉस कर लिया है, एक मल्टी मिशन सिस्टम है जो क्या करता है रॉकेट्स, आर्टिलरी मोर्टर्स एंड द प्रिसाइज गाइडेड म्यूनिशंस, जैसे या फिर जो शॉर्ट रेंज डिफेंस सिस्टम एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर या फिर अनमैन्ड एयर व्हीकल्स को क्या करता है, कैपेबल करता है कि उनको मतलब कि डिटेक्ट कर सकता है शॉर्ट रेंज तक 70 किलोमीटर तक, ऑल वेदर सिस्टम है और ये मल्टीपल टारगेट्स एक बार में हिट कर सकता है और इसको डिप्लॉय किया जा सकता है लैंड से भी और सी से भी। नेक्स्ट है स्वामी फंड, अभी के जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उनका स्वामी फंड के फुल फॉर्म है स्पेशल फिंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग, इन्होंने अपना पहला रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया। अब हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं, इस फंड के बारे में नवंबर 2019 में सेंटर ने अनाउंस किया था कि वो एक स्वामी इन्वेस्टमेंट फंड को सेटअप करेगी, सो दैट वो अपने कुछ डेवलपर्स को रिलीफ प्रोवाइड कर सके जिन्होंने अपने प्रोजेक्ट अब तक फिनिश नहीं किया, और सो दैट होम्स को डिलीवर कर सके टू इट्स बायर्स। ये फंड ने अभी तक इसको फाइनल अप्रूवल मिल गया था 72 प्रोजेक्ट्स का। फंड क्या कर रहा है, जो भी होम बायर्स और जो डेवलपर्स हैं उनके बीच में जो ट्रस्ट डेफिसिट हो गया था बिकॉज लोगों ने क्या पेमेंट दे दी थी लेकिन उनका जो होम है वो कंस्ट्रक्ट पूरा नहीं हुआ था, तो उन लोगों के जो ट्रस्ट डेफिसिट है उसको पूरा कर दिया, फाइन। नेक्स्ट है रेड ईयर्ड स्लाइटर टर्टल एंड इंडियन पेंगुलिन, हम दोनों स्पीसीज के बारे में पढ़ते हैं, क्या करते हैं जो सबसे पहले इसके बारे में पढ़ता है टर्टल के बारे में, ये इसको रेड ईयर टेरापिन भी बोलती है, अमेरिकन ब्रीडर टर्टल्स की और वाइडली कहाँ पाई जाती है, USA में और नॉर्थ मेक्सिको में, याद कर लेना इंडिया में नहीं पाई जाती, फेमस है बिकॉज ये पेट एनिमल्स की तरह आप इसको मतलब कि पाल सकते हो, और अभी इन्वेसिव स्पीसीज बन रही है मतलब कि कहीं और वर्ल्ड के पार्ट्स में इन्वेड कर रही है, जो कहाँ पे कर रही है इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन में भी कर रही है, एंड जिसकी वजह से ये 29 में से 21 वल्नरेबल जो इंडियन स्पीसीज हैं उनको कहीं ना कहीं खतरे में है, और फ्रेश वाटर टर्टल्स एंड टॉर्टोइस, इंडियन पेंगुलिन इनको मैनिस क्रेस्कुडेड भी बोलते हैं, और ये नेटिव इंडिया की स्पीसीज है पेंगुलिन की, मतलब कि यू शुड नो कि ये इंडिया की नेटिव है और ये एंडेंजर्ड स्पीसीज है अंडर द IUCN रेड लिस्ट, आपको पता होना चाहिए इसका IUCN क्या क्राइटेरिया है। ये लार्जर एंट ईटर है जिसके थिक स्केली स्किन होते हैं, ओवरऑल हमारे पास अर्थ में पेंगुलिन की 8 स्पीसीज हैं जो 2 कॉन्टिनेंट्स में पाई जाती हैं, 4 तो अफ्रीका में पाई जाती हैं और 4 अदर एशिया में पाई जाती है, फाइन। तो गाइस यहाँ पे मेरे डेली करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कोई डाउट तो कमेंट करना, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।